ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं इजरायली शहरों की, जहां की मैपिंग कर हिजबुल्ला ने इसराइल को बैकफुट पर ढकेल दिया है। हिजबुल्ला लड़ाके अब इसराइल के अहम ठिकानों की मैपिंग का फायदा उठा रहे हैं। इसराइल के अलग अलग ठिकानों और सैनिकों के समूहों को अब आसान शिकार बना रहे हैं। समूह के लड़ाके आए दिन इसराइल पर भीषण बमों की बौछार कर रहे हैं। हिजबुल्ला के सटीक हमलों के चलते इजरायली शहरों में काफी जान माल का नुकसान हो रहा है। इजरायली सेना ने अपने सैन्य साजो सामान ही नहीं बल्कि अपने कई सैनिकों से भी हाथ धो लिया है। बावजूद इसके इजरायली सेना लेबनान से अपने कदम पीछे नहीं खींच रही है। इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल के इलाट इजरायली ब्रिगेड को रॉकेट हमले से निशाना बनाया। इसके अलावा पहली बार इसराइल की जमीनी सेना के एक कैंप पर हमला बोला गया। इस दौरान बड़े पैमाने पर नुकसान का दावा किया जा रहा है, मगर अब इसराइली सेना की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दावा तो ये भी है कि लड़ाकों ने रॉकेट बैराज से उत्तर में गोलानी ब्रिगेड कमांड के प्रशासनिक मुख्यालय श्रगा बेस को निशाना बनाया। लड़ाकों ने कब्जे वाले गोलान हाइट्स में फोरान कैंप को भी अपना आसान शिकार बनाया, जो इसराइल के जमीनी बलों की तैनाती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण बेस माना जाता है। इसके अलावा हिजबुल्ला के लड़ाकों ने शोमेरा, नहरिया, मेरोन, अविविम और मलिकिया की अवैध बस्तियों पर रॉकेट से हमला किया। समूह ने गोलान में इसी तरह के रॉकेट बैराज से उत्तरी राबिया बेस पर हमला किया, जो इजरायली सेना की 188वीं ब्रिगेड की 71वीं बख्तरबंद बटालियन का कमांड मुख्यालय है। बताया जाता है कि इसमें टैंकों के लिए गोला बारूद का डिपो है, जहां बड़े पैमाने पर नुकसान का दावा किया गया है। वहीं हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान के अल बयादा शहर में भी इजरायली बलों के साथ गोरिल्ला वॉर लड़ा। इस दौरान एक इमारत में मौजूद इजरायली सैनिकों के एक समूह को निशाना बनाया गया। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब शहर में इजरायली सैन्य बल पीछे की ओर खदेड़े जा रहे थे। बता दें कि बीते दिनों इजरायली बलों को हिजबुल्ला के साथ टकराव के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप घर नष्ट हो गया और कई सैनिकों के हताहत होने की पुष्टि हुई। हिजबुल्ला ने डेयर मिमान, कफर किला, त्रिकोण और खियाम शहर के दक्षिण में इजरायली बलों की सभाओं पर रॉकेट से हमला किया। समूह ने दावा किया कि शमा शहर के पश्चिम में एक मरकवा टैंक को एक गाइडेड मिसाइल से नष्ट किया गया। इसमें उसने सवार कई इजरायली जवान मारे गए और घायल हुए। लेबनान के अलमनार टीवी के मुताबिक इसराइल के ताल अल्लूबिया शहर के पास से अपने सैन्य वाहनों को वापस बुला लिया है और अपनी उपस्थिति को कम करके पूर्वी बाहरी इलाकों तक सीमित कर दिया है। इस बीच इजरायली चैनल 12 ने बताया कि हिजबुल्ला के हमलों से उत्तर और दक्षिण इजरायल की कई सड़कें बर्बाद हो गई हैं। युद्ध ने आजीविका, अर्थव्यवस्था, पर्यटन और कृषि को तबाह कर दिया है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि इजरायल हिजबुल्ला के कम दूरी के रॉकेटों को काबू नहीं कर पा रहा है। इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्ला के हमलों का सामना करने में फेल हो रहा है। लड़ाके उत्तरी इसराइल को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। इसके चलते उत्तरी इसराइली बस्तियों के लोग सुरक्षित अपनी बस्तियों से नहीं लौट पा रहे हैं।